हेलो एवरीवन, मेरा नाम वजाहिद हुसैन है, जैसे कि आप सब जानते हो। आज ना हम फेलियर्स पे बात करेंगे। देख, अगर आप एक फेल इंसान के पास जाते हो ना, तो उसके पास एक चिट्ठा रहता है बहानों का कि भाई मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास ये नहीं था, इसलिए मैं फेल हो गया। बट अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान के पास जाते हो, उसके पास हज़ारों ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से वो फेल हो सकता था, बट उसके पास सिर्फ एक ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल बना। मैं आज की वीडियो में जो मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ ना, वो मैं आपको कन्वे करूँगा विद अ स्टोरी। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये स्टोरी सुन रखी होगी। मैं आज इस स्टोरी में मैं बात करूँगा, या इस वीडियो में मैं बात करूँगा अ स्टोरी ऑफ कार्लस टैकस। कार्लस टैकस एक्चुअली में एक सीधे इंसान थे फ्रॉम हंगरी। हंगरी एक कंट्री है यूरोप में। कार्लस में मैं अच्छे से बोलूं तो कार्लस एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने 24 की ईयर में हंगरी की मिलिट्री ज्वाइन की एज अ जवान, या एज अ कह लो सोल्जर। तो उनका इंटरेस्ट पता है किस में था? शार्प शूटिंग में इंटरेस्ट था। वो शार्प शूटिंग करते थे तो बड़े ऑफिसर उनको देखा करते थे कि भाई यार ये इतना अच्छी शूटिंग कर लेता है, इसकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है। तो जब कभी भी वो नेशनल गेम्स में अपनी मिलिट्री की तरफ से पार्टिसिपेट करें तो वो हमेशा अव्वल पे आए, हमेशा फर्स्ट आते थे। तो ये दौर तकरीबन 1934 एंड 1935 का था। तो उसकी वजह से ना पूरी हंगरी में कार्लस टैकस मशहूर थे। कार्ली टैकस मशहूर थे क्योंकि यार अगर पूरी हंगरी में सबसे अच्छी शार्प शूटिंग कर सकता है तो वो टैकस है। हुआ कुछ यूं कि उन दिनों में ना हंगरी में ये रूल था कि अगर कोई ओलंपिक्स खेलेगा तो वो हायर लेवल का ऑफिसर होना चाहिए, नॉर्मल जवान या सोल्जर नहीं खेलेगा ओलंपिक्स। बट जब लोगों ने कार्लस टैकस को ऐसे खेलते हुए देखा तो उन्होंने ये डिमांड रखी गवर्नमेंट के आगे कि भाई आप ना अब ये रूल हटा दो। तो 1937 तक आते आते ना ये रूल हटा दिया गया कि एक हायर ऑफिसर ही या हायर ऑफिशियल ही ओलंपियस में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। जब ऐसा हुआ तो जब 1937 के नेशनल गेम्स हुए हंगरी में तो कार्लस टैकस ने गोल्ड मेडल लाया। तो ये तय था, क्या बोल रहा हूँ, ये तय था कि जब 1940 में ओलंपिक्स होंगे तो हंगरी के लिए गोल्ड मेडल इन शॉर्प शूटिंग कौन लाएगा? कार्लस टैकस लाएगा। बट 1937 के एंड में ना उनके मिलिट्री कैंप में ना एक ट्रायल चल रहा था, जिस ट्रायल में ग्रेनेड के धमाके से कार्लस टैकस की राइट हैंड, जिसकी मदद से वो शार्प शूटिंग करता था, वो उड़ गया। जब वो उड़ा, देखो कितने सालों की मेहनत थी उसको वो शार्प शूटिंग करते करते करते, वो उड़ गया, बिल्कुल उड़ गया। एक महीना वो बेड पे रहे। जब वो ठीक हुए तो उन्होंने काम किया अपने लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, हमारे जैसा कोई इंसान होता ना हार मान जाता कि यार अब तो मेरी पूरी दुनिया तबाह होगी, मेरा एक हाथ ही नहीं है। बट उसने ऐसा नहीं किया। 1939 में जब नेशनल गेम्स चल रहे थे हंगरी में, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारी दुनिया ये सोच रही थी कार्लस टैकस का राइट हैंड उड़ गया, तो वहां पे चले। तो कार्लस टैकस वहां नेशनल गेम में गए तो वहां के लोग कहने लगे यार ये कितना अच्छा इंसान है, मतलब इसका हाथ भी उड़ गया है तब भी ये हमें मोटिवेट करने आया। बट कार्लस टैकस ने वहां जाके ये कहा, क्या कहा, कि आई एम नॉट हियर टू मोटिवेट यू, आई एम हियर टू पार्टिसिपेट इन द गेम। एंड उन्होंने वहां पे पार्टिसिपेट किया अपने बेस्ट हैंड से, नहीं अपने द ओनली हैंड से। और उन नेशनल गेम 1939 में भी उन्होंने क्या किया है, गोल्ड मेडल लाया है। अच्छा देख, अब इनका मैन मोटिव ये, मतलब जब उस गेम में सारे पार्टिसिपेट किससे कर रहे थे, अपने बेस्ट हैंड से, और कार्लस टैकस किससे पार्टिसिपेट कर रहे थे, द ओनली हैंड इज द लेफ्ट हैंड, जिसको उसने ट्रेन किया था एक साल में। समझ आया कि नहीं आया? अब देख,
जब ऐसा हुआ तो 1940 में क्या होना चाहिए था, ओलंपिक्स होने वाले थे, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से 1940 के ओलंपिक रद्द हो गए, मतलब कैंसल आउट हो गए। जब कैंसल आउट हुए तो ऐसा मतलब, अब देखो जिसकी तैयारी कर रहा है कोई इंसान, वो हो रहा है नहीं है तो उसके दिल पे कितना गुजरा होगा, यार मैंने इतनी तैयारी की, ये किया वो किया, कितने बहाने आ सकते थे, बट उन्होंने अपनी मेहनत छोड़ी नहीं। 1940 के ओलंपिक्स, ओलंपिक 4 साल के बाद होते हैं, 1940 में हुआ, 1944 में जब ओलंपिक्स हुए वो भी कैंसिल हो गए, 1940 के और 1944 के ओलंपिक्स भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। जब कैंसिल हो गए तो अब ओलंपिक्स हुए 1938 में। कार्लस ट्रैकस 28 ईयर के थे, 10 साल के बाद वो 38 ईयर्स के थे, अब वो ओल्ड थे। अब जब 1948 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने यंगस्टर के साथ पार्टिसिपेट किया, यंगस्टर में एक एनर्जी होती है, बट वो उस चीज से डरे नहीं। जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया 1948 में तो उन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी और हंगरी के लिए गोल्ड मेडल लाया। अब देख 1948 में गोल्ड मेडल लाया, जब 4 साल के बाद 1952 में भी ओलंपिक्स हुए तो उसके लिए भी उन्होंने मतलब हंगरी के लिए क्या लाया, गोल्ड मेडल लाया। और वो हंगरी के, या मैं बोलूं दुनिया के पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने लगातार 2 गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में शार्प शूटिंग में अपनी कंट्री हंगरी के लिए लाए। अब देख सुन, मैंने ये स्टोरी इसलिए आपको सुनाई ना कि भाई देख, हम जब फेल होते हैं तो हम बहाने बनाने लगते हैं। क्या कार्लस ट्रैकस ने बहाना बनाया? ना, उनका एक हाथ नहीं था, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड से शूटिंग की है उन्होंने, ठीक है। हमारे पास सब चीजें हैं, सब चीजें, आप फोकस करो, हमारे माँ बाप हमारे लिए सब चीजें अरेंज करके, उनको जैसी भी अरेंज करने पड़े ना पड़े, अपने जिसमें कपड़े तक बेचने पड़े तो वो करते हैं, अपनी चमड़ी बेचनी पड़े तब भी वो आपके लिए लाते हैं पैसे, आपके पास सब चीजें हैं, आप तब भी बहाने कर रहे हो, यार ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मैं कैसे करूंगा, ठीक है। तो मेरा आज का मैसेज ये था कि भाई हमें हमेशा एक रीजन ढूंढना चाहिए अपनी लाइफ में कुछ करने का, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट। It's caught in the crossfire.